उछल कर वो नहीं चलते, जो माहिर है किसी फन में। अब इनसे पूछा जाए फन तो बोले सांप को फन होता है। हाँ, नागपंचमी आ रही है ये कहेंगे। उछल कर वो नहीं चलते जो माहिर है किसी फन में, और उछल जाता है पानी अक्सर ओछे बर्तन में। दादा पीछे आगे से एक आवाज आ रही थी, चुदरिया ओढ़ लो सब तुम्हारे हो जाएंगे। जिद्दी जी बहुत बढ़िया, तुम ये कर क्या रहे हो, इस YouTube का तो ख्याल रखो। केस वाले भैया, संजय भैया, उम्र कैद से तो फांसी अच्छी। जिद्दी जी सुनिए शेर शायरी का जवाब। उम्र कैद से तो फांसी अच्छी, और लाहौर से तो हमारी झांसी अच्छी। ए चुनरिया उड़ाने वालों थोड़ा ख्याल रखो, तुम्हारे गाने से तो हमारे बाबा की खांसी अच्छी। हमसे कह रहे हैं चुनरिया उड़ लो। सैर सारी कर किससे रहे हो तुम? सैर सारी सुनिए, कैसे सैर कर रहे हैं? अब इस राउंड में गीत गाने में कोई जरूरी है? चुनरिया चुनरिया उड़ लो सब तुम्हारे हो जाएंगे। जिद्दी जी तुमको कॉन्फिडेंस नहीं है, जवाबी कीर्तन का तुमको सेंस नहीं है। हमने तो पहले ही नंबर में पता लगा लिया, आपके खाते में बैलेंस नहीं है। जीरो बैलेंस का खाता है। मुझसे टकराओगे तो बिखर जाओगे, मुझसे टकराओगे तो बिखर जाओगे, अपने चाहने वालों को अखर जाओगे। तुम्हें एक राय दे रहा हूँ, मेरी राय मान लो, थोड़ी सी फेयर एंड लवली लगा लो तो बहुत निखर जाओगे। चेहरे पर फेयर एंड लवली भी काम नहीं करेगी। चाचा दुकान चलानी है तो ग्राहक से मीठे बोल बोलो। जिद्दी भैया तुम सैर सारी क्यों कर रही हो? यूट्यूब चैनल चल रहा है, बढ़िया कीर्तन गाओ, इसको कानपुर लखनऊ के लोग सुनेंगे। तुम फजीता क्यों कर रहे हो? सुनिए, तुमने जब किया है तो सुनिए। अगर दुकान चलानी है तो ग्राहक से मीठे बोल बोलो, अगर तुम्हारी दुकान में सौदा नहीं है तो शटर मत खोलो। और तरण जो चाहो तो गंगा जल को पीना चाहिए, और अंगूठी को सुंदर नगीना चाहिए, और बसंत पतझड़ से लड़ने के लिए कम से कम गज भर का सीना चाहिए। जवाबी कीर्तन खेल नहीं है बच्चों का, जवाबी कीर्तन खेल नहीं है बच्चों का, और इसमें तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। चलिए अब क्या कहें, छोड़ो माटी डालो। गा रहे हो तुम्हारे दादा, ये कर दिया वो कर दिया, एक केवल एक छोटी सी बात। वैसे ही पीछे से बेसुरा गाया जा रहा है, सुर में कम से कम गाओ, ये जवाबी कीर्तन है। यूट्यूब का ख्याल रखो। केएस वाले भैया, पिता का एक लाल है, सबने इसको है माना। तीन पिता का एक लाल है, सबने इसको है माना। तीनों पिता काला है, सबने इसको है माना। दुख सबका देता है कला, ठान ऐसी ये ठाना, ठान ऐसी ये ठाना। दुष्टों का करता पतन किया है ये यतन, दुष्टों का करता पतन किया ऐसा यतन। तीन पिता का ये लाल है जो सबने माने, तीनों पिता का लाल है ये सबने है माना। रक्षा जो रण क्षेत्र में करती है उसे हम ढाल कहते हैं। रक्षा जो रण क्षेत्र में करती है उसे हम ढाल कहते हैं। हाथी की तरह जो चलता है उसे हम चाल कहते हैं। और हमेशा हमेशा अपने पेशेंट समाज जनता और परिवार से जो प्यार करता है उसे हम डॉक्टर प्रेमपाल कहते हैं। जिद्दी जी आपने जरासंध और बलराम को बताया, दो दो माताएं, इधर से जवाब सुनिए, हनुमान के तीन पिता हैं। चलिए ये इस तरह की बात है, मैंने एक गीत गाया था,
और आप कह रहे हैं सीता का, मैं कह रहा था सात सीता है, ये आठवीं सीता कहाँ से निकाल के लाए? हाँ, ये पीछे कोरस वाले क्या बिगाड़ रहे हैं तुम्हारा, ये कहाँ से लाए? प्रमाण है, प्रमाण नहीं, नहीं प्रमाण है तो प्रमाण दिखाना जरा, प्रमाण है, बहुत कह रहे हो प्रमाण रखा है, हर बात में प्रमाण रखा है, देख लो प्रमाण रखा है, जरा दिखाना आठवीं सीता, दिखाओ झोला खोलो। हम चाहते हैं अच्छा, हमको भी लगेगा ना, दिखाएंगे तो अच्छा लगेगा, दिखाओ भाई प्रमाण है कि नहीं, केवल हवाई फायर है। फोटो स्टेट दे रहे थे आप, फोटो स्टेट की जरूरत नहीं है हमें, फोटो नहीं, फोटो स्टेट चाहिए, फोटो स्टेट चाहिए, आज यही हम हार जाएंगे अगर फोटो स्टेट तुम दे दो, हम हार मान लेंगे, तुम हमें फोटो स्टेट दे दो यहीं पे। क्यों जबरदस्ती आठवीं सीता को पैदा कर रहे हो? कहते हैं करते नहीं, कहते हैं करते नहीं, मुंह के बड़े लवार, इन सबके मुंह काले होंगे भगवान के द्वार। देखा ना, फोटो स्टेट देना, अगले राउंड में दे दो, दूसरे में दे दो, तीसरे में दे दो, सुबह दे देना, फोटो चाहिए। तुम लोग एक काम करो, रक्षाबंधन आ रहा है, पूरा मंडल राखी रखा बेचो। अब एक लोग कोई उन्हें भैया थोड़ा घेवर की दुकान खोलो, घेवर। तुम लोग जवाबी कीर्तन तुम्हारे बस का नहीं है। एक गीत अभी आया, पिया पिया ना पिया, बहुत बढ़िया, ये है धुन तुम्हारी, पिया पानी ना पिया, ना पिया ना पिया, पानी क्यों ना पिया, क्यों ना पिया, पिया क्यों ना पिया, पिया क्यों ना पिया, पिया क्यों ना पिया। इसके पीछे कारण था, आखिर में बात पानी की क्यों आई जिंदी जी? सुनिए जवाब, बिल्कुल संतोषजनक जवाब तुम्हें मिलेगा आज। और पानी के ही कारण तो, सुनिए आखिर में बात वहां और किसी चीज की क्यों नहीं आई, आखिर में पानी के ही कारण तो दशरथ ने श्रवण मारा था। सुनिए, बहुत बढ़िया, सुनिए जवाब, आप पूछे पानी क्यों ना पिया, आज बिल्कुल संतोषजनक जवाब। जवानी में जवानी का मजा लेना जवानी है, इधर देख लेना, इधर देखना कैसा लग रहा है, जय हो मेरी 60 क्या बल्कि 62 वर्ष की उम्र है, इनके चेहरे पे 12 बज रहे जैसे किसी ने कुछ गन्ना सा चूस लिया। देखो अब इनके चेहरे बिल्कुल सफेद पड़ गए, अभी अभी सवेरे तक काले पड़ जाएंगे, ध्यान देना। अभी तो एक नंबर हुआ है इनकी परंपरा, जवाबी कीर्तन को देखिए आप क्या होता है, जवाबी कीर्तन का तरीका है, किनकी फटे किनकी कटे किनकी फटे तस्वीर है। दादा जब कश्मीर जैसी बात आती है तो सुनिए भैया, जब कश्मीर की बात आती है सुनिए, पाकिस्तान के लिए चैलेंज बोल रहा हूँ जीती जी, क्षमा दया छोड़ो तुम, क्षमा दया छोड़ो तुम, भाषा बोलो फौलादों की, खाल खींच लो उग्रवाद की, नाजायद औलादों की, भूल अगर कोई हो जाए सुन पाकिस्तान, भूल अगर कोई हो जाए तो भूल सुधारी जाती है, और जब कुत्ते पागल हो जाए तो गोली मारी जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है ये पाकिस्तान है, बहुत बढ़िया। और पानी के कारण ही तो दशरथ ने श्रवण मारा था, और दशरथ को सांप वहां अंधी अंधों ने दे डारा था। सुनिए बात, पानी ने दिया पूरे परिवार को, पूरे कुल को श्रापित कर दिया, यही पानी तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। सब उसने दिया बदला उसका है लिया, पानी यो ना पिया। सुनिए बहुत बढ़िया, सुनिए जवाब, पानी पानी यो ना पिया, ना पिया 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 ना पिया। वहां तुमने एक पतवर्ता नारी की बात की है, यहाँ मैं एक और बात कह रहा हूँ, सुनिए जवाब, कोशिश करना, एक और बात है, सुनिए, वहीं से जुड़ी है, वहीं से जुड़ी है, जैसे ही शेष
लक्ष्मण ने मेघनाथ के सर को काटा और कटी हुई भुजा पहुंची संदेश दे दिया, मेघनाथ की मृत्यु हो गई है। ये श्राप था कि अगर मेघनाथ का सर जमीन पर गिर पड़ेगा तो तहलका मच जाएगा ब्रह्मांड में, रक्त धारा बहेगी। इसलिए भगवान राम ने कहा, हे हनुमान जल्दी जाओ, इस मेघनाथ के सर को हाथों पर लो। उस हाथों पर ले लिया और एक ऊंचे स्थान पर रख दिया। जब हाथ वहां पहुंचा तब कहने लगी मेघनाथ की पत्नी, उसने कहा मैं जुड़ी हुई इस सर से या सर से जो कटा शेष के सर से सर से वही है। जहां तुम पानी की बात कर रहे हो यहाँ एक और बात है, वहीं से आगे बढ़ाना कोशिश करना। हमसे कह रहे दादा लिख लेना काम आएगा, अब काम तुम्हारे आएगा, काम तुम्हारे आएगा, जितनी तुम्हारी उम्र है उतना गाते गाते छोड़ दिया। तुम पूरा मंडल एक एक पतंजलि की टेबलेट खाओ। आज तुम लोग बढ़ावा क्यों रहे हो? तब कहा मैं जुड़ी हुई इस सर से जो कटा शेष के सर से क्यों क्यों चूकू पिया अब सर से क्यों चूकू पिया अब सर से कैसे मन मेरा सर से मेरे पति का सर रखा है और आप हंसने की बात कर रहे हो। तब कहने की मंदोदरी से कैसे मन मेरा सर से या ओ सिया बनी ना सिया सिया बनी ना सिया कर पिया ना पिया सिया बनी ना सिया नहीं जाए दिल सिया सिया हरी ना सिया। बहुत बढ़िया। सिया हरी ना सिया सिया हरी ना सिया 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 ना सिया। अच्छा बच्चा वो जिसका जन्म है प्रेमपाल जी, वो बच्चा भेजा निकल के बॉक्स में लगेगा। प्रेमपाल जी जिस बच्चे का जन्म है वो बच्चा दिखाई नहीं पड़ रहा। ये कोरस है यहाँ पे, वैसे ही बेतकल्लुक की बात करने आए हो। अब आप बार बार ऐसे कर देते हो, क्या मतलब है इस चीज का? हमने पहले भी कहा जिस बच्चे की वजह से सारा खेल वो दिखाई नहीं पड़ रहा हमारा गीत बेकार हो जाता है, क्योंकि फिर जब 12 बज गए तो फिर बच्चे का जन्म चल जाता है। अभी जबर सुन रहा है, समय का ध्यान रखना चाहिए। मैंने कई बार कहा है एक मौका होता है उसका, उसके सामने उसको लाइए तो बात तब गाएंगे। आगे आइए एक गीत की ओर ले चलते हैं, जब बच्चा आएगा तो उसके सामने कोई बात होगी सुनिएगा। ये सब राजा का खेल है और राजा के बिना प्रजा बेकार है। हमको राजा के दर्शन नहीं हो रहे, अब प्रजा अपना लगी है, नासिया नासिया पिया पिया लगे हुए। चले आइए एक गीत क्यों ले चलता हूँ, ये आपके गीत है। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, मैंने पूछा था सीता, आपने आठवीं सीता बताइए, फोटो स्टेट करके उसको लाइए, वरना मैं यही कहता रहूंगा। चुरा कर ले गया रावण वो कौन सीता है? आप कह रहे थे कि वही रावण चुरा के ले गया जो जमीन में थी, इसको तो मैंने कह दिया। मैं वो आठवीं सीता जैसे उतारे हो, मैंने सारा खेल दिया ना, आठवीं सीता आप बताएंगे। सात सीता का प्रमाण मैंने दिया है, जब आप लाइए तो लाइए फोटो स्टेप लाइए, प्रमाण दिखाइए कि ये आठवीं सीता है, तब हम मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। चलिए आपकी बात आपकी बात है, आप शहर सारी से बात कर रहे हैं। मैं तो इतना कहूंगा कि तीर ही बेकार है तो कमान क्या करे, तीर ही बेकार है तो कमान क्या करे, और बीज ही बेकार है तो किसान क्या करे, और जैसा किया है कर्म वैसे फल तू पाएगा, फूटा है तेरा मुकद्दर तो भगवान क्या करे। आइए एक गीत क्यों ले चलते, प्यारा सा गीत आपके सामने।